मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहे और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो मानता है वैसा ही वो है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इन संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया है यहीं से तो लिया है, जो भी दिया है यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशय रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपने जिंदगी के सार्थक बन चुके हो।